क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इंस्टेंटली अभी इसी मोमेंट में हम खुश रह सके? हाँ, आप कह रहे हो पॉजिटिव सोचो, तो ये तो पता है, बट कितने हैं जो एक्चुअल में 24 घंटे पॉजिटिव सोचते रहते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव ज्यादा आते हैं? और एक बार उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल में हम फंस जाते हैं तो वहां से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज कि कैसे उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल से हम इमीडिएटली बाहर निकल सके, प्लस जब बाहर निकले तो वो टेम्पररी ना हो, वो सस्टेन भी हो सके। कि कभी कुछ नेगेटिव आया भी तो आया और गया, अभी उल्टा होता है, नेगेटिव बना ही रहता है, पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए कहीं से मेरा कोई सेशन देखा या कहीं से किसी की कोई बातें सुनी कुछ किया, थोड़ी देर के लिए एकदम से पॉजिटिव हो गया, फिर वापस से वहीं के वहीं, ऐसा ही होता है। सो द पॉइंट इज कि कैसे हम इंस्टेंटली वहां से बाहर आए और प्लस उस स्टेट को हम सस्टेन भी कर पाए, क्या ऐसा कोई रास्ता है? सर, आई थिंक दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट। इफ आई एम सैटिस्फाइड विद द लाइफ दैट आई एम हैविंग, आई थिंक आई वुड बी हैप्पी। एंड आई थिंक सैटिस्फैक्शन आती है when I'll start thinking ki the life that I'm living is still a dream for a lot of people. I think satisfaction is one thing that can keep you happy. Sirf yahi ek tarika hai khush rehne ka aur koi dusra tarika nahi. There is no other way to be happy. The only way is contentment. Ki agar hum satisfied hain jo hamare paas hai usse to hum khush hain. Satisfaction ko hi to khushi bolte hain. Kahin pleasure ko to khushi nahi samajh rahe hain. Pleasures jitne bhi hain जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमको मिलते हैं, क्या वो खुशी है? मजा तो है उसमें, क्या उसमें खुशी होती है? तो प्लेजर और खुशी में पहले हमको फर्क समझना है। खुशी मतलब क्या? कि एक ऐसी स्टेट जो बनी ही रहे। इन अदर वर्ड्स, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, एक्चुअल में यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर एक कहीं पर कोई गलत थॉट आ जाए, उसके बाद क्या होता है? जो आप चाहते थे वो सब हो गया, वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे 5 साल पहले 10 साल पहले, सब कुछ हो गया है, लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा है, माइंड वहीं पर अटका पड़ा है। जो हजारों लाखों चीजें सही हो रही है वहां पर हमारा ध्यान नहीं है, माइंड की यही प्रॉब्लम है। By डिफॉल्ट हम सबका माइंड, सिर्फ आपका माइंड या मेरा, सबका माइंड by डिफॉल्ट ऐसे ही काम करता है। कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वही बात दिमाग में घूमती रहती है कई दिनों तक। ऐसा होता है नहीं होता? उसने कुछ सही कह दिया, वो घूमता है क्या? नहीं। सुना थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर भूल भाल गए। गलत कह दिया तो वो बात कई लोगों को तो महीनों तक, सालों तक भी पता नहीं कब तक याद रहती है, मरते दम। ये माइंड की प्रॉब्लम है। पहले हमको प्रॉब्लम को समझना है, तभी तो हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे ना। Do you guys want कि इसमें हम थोड़ा सा डीप में चल करके देखें, या बस ऊपर ऊपर लेवल पे बात करके खत्म करें? क्योंकि बात तो समझ आ गई, हाँ कंटेनमेंट, हाँ ठीक है, तो हमको पता था इसमें नया क्या है, बट देखते हैं ना प्रैक्टिकली कि इसको अपनी लाइफ में कैसे उतारना है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। आप सोचो, आपकी जो ड्रीम जॉब है वो भी आपको मिल गई, क्या वहां पर सब कुछ परफेक्ट होगा? बट हाउ टू डील विद इट, दैट यू नीड टू फिगर आउट। उसी का एक तरीका है जो हमारे पास है, उसकी कदर करो और उसका टेंशन। आपके पास क्या है? कुछ है या नहीं है? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो अगर देखा जाए, 3 चीजें बोलते हैं ना जो बहुत जरूरी है लाइफ में सर्वाइव करने, रोटी कपड़ा मकान। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है? कितने लोग हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनके पास में कपड़ा नहीं है? इन बातों को अगर आप बारीकी से देख पाओ, और मजे की बात क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड की हैबिट नहीं है इस तरीके से देखने की। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? ये हो गया तो, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हो रहा है? माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग यही नहीं है, यहां पे खुशी है। अब आता है कि अब क्या करें, चैलेंज आपको समझ में आ रहा है ना? माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है, और माइंड कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, ये बात पता है ना आपको? एक तरह का एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आपके थॉट चल रहे हैं, एक्शन चल रहे हैं, फीलिंग, इमोशन, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो काम कर रहा है ना। आपका सॉफ्टवेयर अलग है, इधर का सॉफ्टवेयर अलग है, तो सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। माइंड को चेंज करने का मतलब सॉफ्टवेयर को, ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर लेवल पे बोल दे कि हाँ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो यहां पर बैठे हुए बातें कर रहे हो, घर जाकर के ये बातें करोगे, जब 2-4 गालियां पड़ेंगी उसके बाद में सब भूल जाओगे, अबे तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वहां के ये बोलोगे कि नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, बोला है अच्छे के लिए तो बोला है,
मेरे भले के लिए बोल रहा है, ऐसे सोचोगे ना जी, वहां तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब हम दोगुले हैं सारे के सारे, सच है नहीं है? इसीलिए हम एक्चुअल में कभी खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम होते कुछ और है अंदर से, बाहर से दिखाते कुछ और है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो प्यार का मतलब क्या, क्या बोलने से कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और मन ही मन किसी और के बारे में सोच रहे हैं, क्या वहां से होता है प्यार? कैसे होता है प्यार? बोलने से हो जाता है, या हम कुछ नहीं भी बोल रहे हैं बट उस पर्सन को ये समझ आ रहा है हमारी नजरों से ही कि आई एम एब्सोल्यूटली सैटिस्फाइड विद यू, आई एम थैंकफुल टू यू एंड टू दिस यूनिवर्स कि यू आर विद मी। अगर ये आप बोलो नहीं सामने वाले को, लेकिन आपकी आंखों में उसको नजर आए, कैसा होगा आपका रिलेशन? अपने ऊपर रख करके देखो, आपको ऐसी वाइफ मिल जाए या ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो क्या करोगे आप? कभी ना छोड़े, सिर्फ कभी ना छोड़े, या फिर नाउ यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट टू मेक हर हैप्पी। अगर आप बैठ करके उस पर्सन की, उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, कुछ भी नहीं होगी। कभी ना कभी आप बीमार हुए होंगे जब आपके साथ में कोई भी नहीं था और वो बंदा साथ में बैठा हुआ था, हो सकता है? नहीं हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होता है ना हर एक में, कुछ ना कुछ तो। अगर उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आप बार बार याद करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो धीरे धीरे रिलेशन बदलने लग जाएगा, आपकी नजर बदलने लग जाएगी। ऐसे इंसान के साथ हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहेगा। किस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है? जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो सुबह से रात तक बस कमियां ही निकालता रहता है, या फिर वो बंदा जो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से? अब सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि ग्रो करने के लिए भी अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? पीस ऑफ माइंड से है। किसी काम को आप पीसफुली करो तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, या इरिटेट होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, तब ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे पीस ऑफ माइंड से। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि सॉफ्टवेयर को चेंज कैसे करें। तो चेंज कैसे होगा? ये सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा। जिस भी चीज को हम लिख देते हैं और लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो क्या होता है? उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है हमारी ब्रेन पे। प्रैक्टिकली करके देखना, जहां से जब आप घर जाओगे रात को सोने से पहले, एक बार एक पेपर पेन ले लो, लिस्ट बना लो। अगर आप सिर्फ ये लिखते चले जाओ मेरे पास में क्या है, कुछ चीजें हैं आपके पास में, कितना कुछ है, रहने के लिए एक घर होगा, ये छोटी चीज होती है क्या? मतलब घर होना, करोड़ों लोगों के पास में घर नहीं है इंडिया में। 24 घंटे आपको सिर्फ यही नजर आ रहा होगा, अंदर से दिल से यही निकल रहा होगा, क्या कमाल हो रहा है। पता है कैसा हो जाता है फिर उसके बाद में? क्योंकि अब आपका जोन बदल चुका है, बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग जोन है। आप सड़क पे भी कहीं जा रहे होगे, मान लो गाड़ी चला रहे हो, बाइक पे हो, पैदल चल रहे हो, किसी को भी देखोगे ना तो अंदर से पता है क्या दुआ निकलने लग जाएगी, अरे सब खुश रहे। कहीं से निकल रहे होगे, कोई बंदा चलता हुआ दिख रहा है, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश हो जाए। मतलब दिल से सिर्फ दुआएं निकल रही है। तो जब दिल से दुआएं निकलती रहती है, अब क्या हो रहा है जिसकी आपने बात करी थी, ये है खुशी को एक्चुअल में बांटने का मतलब। पूरे यूनिवर्स के लिए आपके दिल से दुआएं निकल रही है एफर्टलेसली। सॉफ्टवेयर बदल चुका है, अब इसकी अगली स्टेज आएगी। जब आप एक कनेक्शन जो ऑलरेडी हम सबके बीच में है, आपका इस यूनिवर्स के साथ में है, लेकिन उससे हम कटे पड़े हैं, इस कटने को ही ईगो बोलते हैं। मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, ये सब हट जाता है फिर यहां से, फिर हम आने लग जाता है। जो मैं करने वाला हूं उसका असर इस पूरी दुनिया पे होने वाला है, और जो दुनिया कर रही है उसका असर मेरे पे हो रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ ढंग का ही करूं, क्यों मैं किसी के साथ गलत करूं। ऐसी ऐसी फीलिंग अंदर से आने लग जाएगी। यू आर गेटिंग द आंसर? आपने क्वेश्चन पूछा था, आपको मिल रहा है आंसर? तो आप एक डायरी ले लोगे, लिखना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिकली अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। आने वाले एक महीने तक अगर आपने लग करके इसको कर लिया जो मैं आपको कह रहा हूं, जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी मतलब पूरी तरह से। After 1 year, you will be a completely changed person. आप यहां पर खड़े हो गए, मैं वहां पर बैठा हूं। Thank you so much for coming.